हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 356। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 31 मई 1970 को। आज की मुरली का विषय है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। विश्व 31 मई 1970। विषय है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। और हमारे अंदर श्रेष्ठ संकल्प चले, श्रेष्ठ संकल्पों में भी एकाग्रता हो, तब हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं। यदि हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बुद्धि स्थिर नहीं होती है, हमारी बुद्धि चंचल रहती है, तो हम लगातार विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। हमारे पास सिर्फ क्या होने चाहिए? श्रेष्ठ संकल्प, सर्वे भवन्तु सुखिना वाले संकल्प होने चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब क्या होता है? एक स्थिति में रहना, हमारी अवस्था चेंज नहीं होती। एकाग्रता का मतलब है किसी भी एक जगह पर अपने जो थॉट हैं वो सेट हो गए हैं, अब उसमें दूसरे नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माया जीत सो जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बोले। पहले पहले क्या है हमारे पास कि मास्टर सर्वशक्तिवान, हम सारे बच्चे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। और दूसरी क्या विशेषता हमारी बाबा ने ढूंढी है? सदा माया जीत। सदा माया जीत, माया जीत का मतलब क्या समझते हैं हम? अपनी कमी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर। जब हम अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को जीत लेते हैं, तब हम जगत जीत बनते हैं। सदा ज्ञान स्वरूप, अर्थात जो बाबा का ज्ञान है वो हमारे व्यवहार में दिखाई दे, वो हमारे व्यवहार में दिखाई दे, तब हम हैं ज्ञान स्वरूप। शक्ति स्वरूप, क्योंकि शक्ति कब होती है? जब हम बाबा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करने के अनुभवी होते हैं, तब वो शक्ति बन जाता है। शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले। जो विजयी रत्न है बच्चे, उनके प्रति बाबा कह रहे हैं। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। निराकारी और साकारी, निराकारी स्थिति क्या है और साकारी स्थिति क्या है, और कौन सी स्थिति को हम जान गए हैं? हम निराकारी आत्मिक स्वरूप, हाँ हम आत्मा हैं, और साकारी स्थिति देवता, देवी देवता, जो टॉप की जो स्थिति, हाँ आदि और अनादि स्वरूप को। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। मतलब क्या है कि हम देह में हैं, देह की साकार स्थिति है, साकार के तो हम बहुत अनुभवी हैं, साकार में आना, बोलना, देखना, चलना, करना, ये सब करना हमारे लिए बहुत सहज लगता है। परंतु क्या आत्मिक स्थिति में रहना भी सहज लगता है? वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने में मेहनत है। संकल्प किया और स्थित हुआ, संकल्प किया मैं आत्मा तो बस मैं आत्मा, फिर देह की स्मृति ना आए, संकल्प किया और स्थित हुआ, मतलब एक ही सेकंड में ये अभ्यास करना है। और ये अभ्यास बनने की विधि
हमने चर्चा में की है, क्या है विधि इसकी, एक सेकंड में अपनी स्थिति में पहुंचना। जैसे जैसे ज्ञान बुद्धि में जाएगा और कर्म में आता जाएगा। बाबा की श्री मत पर जब हम मनन चिंतन करेंगे और मनन चिंतन करते करते हमारे संकल्प इतने स्लो हो जाएंगे, उसमें हम देह से न्यारेपन का अनुभव कर ले, तो बाबा कहते ये अभ्यास करते रहो। यदि एक बार भी आपने एक सेकंड का भी अनुभव कर लिया तो फिर वो दो सेकंड भी हो सकेगा, धीरे धीरे आप उसे बढ़ा सकेंगे। परंतु ये सोच करके नहीं बैठना है कि हमने न्यारी स्थिति बनानी है, निराकारी स्थिति बनानी है, इसको सोचकर बैठने की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल हमने बाबा की श्रीमत पर ही हर बात को मनसा में रखना है। तो जब ऐसे रहेगा तो श्रीमत से हम जितने भी विघ्नों को विनाश करने वाले बनते जाएंगे, वो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सामने कोई विघ्न नहीं रहा, वो सेकंड हम न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम उसका अभ्यास ही नहीं कर रहे हैं कि हम विघ्न विनाशक अपने विघ्नों का विनाश कर लें, तो वो स्थिति तक पहुंचना भारी रहेगा। पहले हम हमारे सामने कोई विघ्न ही ना रहे, बाबा की श्रीमत से हम सारे विघ्नों को खत्म करते जाएं, अपनी मत पर नहीं कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर करने हैं। तो जब ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि अब आपके सामने कोई विघ्न नहीं, और वो आपका समय होगा। हालांकि समस्या रही हुई है पर तो उस समय आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी, आप सारे सवाल हल कर चुके हो, और उस समय जो रिलैक्स मिलेगा, जो उस समय जो आपको अनुभव, क्योंकि वो सवाल तो स्थूल हो गए ना, तो यहां आपने टीचर के हिसाब से किया था पर तो यहां आपने अपने विघ्न खत्म कर दिए, तो अब आपके पास कोई संकल्प करने के लिए नहीं रहेगा। वो एक सेकंड का भी अनुभव आपको बहुत अनुभवी बनाएगा आगे के लिए, क्योंकि फिर आप दूसरा सेकंड ले सकेंगे। सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है, संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है। संकल्प ही है, हमने श्रेष्ठ संकल्प किया हमारी अवस्था ऊंची हो गई, हमने गलत संकल्प किया हमारी अवस्था क्या हो जाएगी, लिफ्ट है, फटाफट संकल्प की स्पीड से लिफ्ट चलती है। जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहें जहां चाहें जैसे चाहें वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो, संकल्प को रचने वाले रचता स्वयं को अनुभव करते हो, रचना के वशीभूत तो नहीं होते, रचना के वशीभूत तो नहीं होते। ऐसा अभ्यास है जो एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले उस स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। क्योंकि अब हमारे सामने इतने झमेले होते हैं
हम सोचते हैं चलो बाबा को याद करे, परंतु झमेले आके खड़े हो जाते हैं, वो बातें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, बाबा को याद कैसे करेंगे। अब हम संकल्प करते हैं कि हम बैठ करके जो है ना अपनी एकदम अशरीरी अवस्था बनाए, शरीर कहता है कैसे बनाएगा, रुक। हम तो मैं शरीर कहता है रुक, पहले मेरी 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 कर्जा उतार के जा, मेरा ये काम करके जा। मतलब हम उनके अधीन हो गए हैं, ये हमारा है कर्म बंधन। इसी को बाबा क्या कहते हैं, ये है हमारा कर्म बंधन। हमने कर्म बंधन माया पर जीत पानी है। कर्म बंधन किसका है, हमारी माया का है, और उस कमजोरियों पर हमको क्या प्राप्त करना है, जीत हासिल करनी है। ऐसी प्रैक्टिस है, वह युद्ध करते ही समय बीत जाएगा। अब हमारी हालत तो इस समय यही है ना कि हम युद्ध ही करते रहते हैं सारा, युद्ध से बाहर निकले। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। योद्धा क्षत्रिय हो गए थे ना, वह क्षत्रिय कहेंगे, क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी। फिर तो आप चंद्रवंशी बन जाएंगे, त्रेता में आने वाले बन जाएंगे। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। सारे पहले अपनी करेंगे ना, पहले हम खुद को अपने आप को बनाए, फिर सर्व आत्माओं की जो भटकती हुई बुद्धि है उनको समझा सकते हैं, हम अपना अनुभव उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसे करो। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। ये विश्व की मांग वह चाहना कैसे पूर्ण करेंगे, कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे, दूसरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। उसके लिए जैसे सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो, कदम को आगे बढ़ाते चलो। क्या करना है, ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते, क्योंकि ईश्वर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, कोई भी समस्या आएगी वो सहज खत्म। कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है, जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए ये भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में, लगन की परीक्षा में ये सब विघ्न आएंगे। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात क्यों समझते हो, माया क्यों आती है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, बुद्धि क्यों भटकती है, बुद्धि क्यों भटकती है, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं, हाँ हमारे रिश्तेदार हमारे सज्जन और वो हमें सहयोग नहीं देते, बताओ। पुराने संस्कार पुरानी आदतें अब तक क्यों इमर्ज होती हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रश्न
विघ्नों को मिटाने की बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते। ये प्रश्न जब हमारी बुद्धि में उठते हैं तो वो बाबा के साथ हमारा संबंध जोड़ने की बजाय बाबा से अलग करने का काम करते हैं। इतना टाइम हो गया, बताओ क्या ये बाप के मां बाप के भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी। पहले जैसे आई थी दोबारा वैसे नहीं आएगी, उससे बढ़ के आएगी। मैं कहता हूं माया बच्ची मेरे बच्चों को अच्छी तरह ठोक ठोक करके परीक्षा। कोई हमारा बाप है, क्या करे, हमारा बाप जो है ना इतना कठोर है, इतना कठोर है जो सोच भी नहीं सकते। पता होता तो हम बाप ना बनाते ना, कठोर नहीं है बाबा, को मजबूत बना रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षाएं आने वाली है ना। अच्छा भाई, देवी देवता बन रहे, मूर्तियां बन रहे, ठुकाई तो होगी। चलो हम आपके साथ हैं, फिर तो नहीं तो मैं छोड़ के चला जाता। परीक्षा लेने के लिए आएंगी, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गंवा देते हो, शक्ति गंवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ, उसका हल सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया नहीं, लेकिन ये तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप हो जाएंगे। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्योंकि क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यू लाइन लग जाती है और उसी क्यू को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो लेकिन ज्ञान स्वरूप होना है, क्या होना है, ज्ञान स्वरूप होना है। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है उसका भी कारण, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। ये स्मृति भूल जाते हो, जब कहते हो ही हो विश्व परिवर्तक हैं, जब कहते ही हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। अशुद्ध को शुद्ध बनाने के लिए तुम निमित्त हो, फिर ये क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया। वायुमंडल आपकी रचना है ना, जब है कलयुग है तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध नहीं होगा तो क्या होगा। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य को की स्मृति में रहने से, कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचता पन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने की बजाय ये सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया हूं। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी, लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, कौन वातावरण को बदलेगा, ये भूल जाते हो।
इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते व संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है तो सब आत्माओं को एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता, एक जैसा पार्ट हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देख अपने श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो, अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो, साक्षी हो पाठ देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वे दो। लेकिन घबराओ नहीं, लेकिन घबराओ नहीं, अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो, तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है। सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते, सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निवारण को सोचो। और क्यों, क्या कहते हैं, हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है, बच्चों को पहले से ही चाबी बाबा ने दे दी है। किसकी? और क्या कहते हैं बच्चे, हमारे संबंधी की के बुद्धि का ताला खोलो। बाबा से रोजाना कहते हैं ना, बाबा से बैठेंगे, मेरे पति का, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे इसका बुद्धि का ताला खोलो। बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धि को ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। चाबी क्यों नहीं लगाते? चाबी दी है बाबा ने, हमें चाबी दी है कोई सबकी बुद्धि का ताला खोलने की। तो चाबी को यूज क्यों नहीं? हाँ जी, दी है चाबी, कहाँ है वो दिखाओ जरा। बाबा की श्रीमत। और सीमा शर्मा कुछ पूछना चाह रहे हैं? भाई जी जो वीडियो अगर तुम्हारी जो सुना रहे हैं इसकी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी? हाँ हाँ, सारी वीडियो मिलते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं सब यूट्यूब पर डाल देते हैं। ठीक है भाई। यूज क्यों नहीं करते? अपना कार्य भूलने कारण बाप को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना, ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों प्रति सदा विश्व कल्याणकारी है ही, फिर बार बार क्यों याद दिलाते हो मुझे? मैं हूं ना, मैंने जिनकी बुद्धि का ताला खुलना है मेरा, मैं नियमित हूं, मैं करूंगा, तुम मुझे क्यों याद दिलाते हो बाबा इसका ताला खोलो? मैंने जिस समय खोलना है उसी समय खोलूंगा ना, पहले थोड़ा खोलूंगा। आरपी सैनी भाई जी, आरपी सैनी भाई जी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? अनिल भाई आते हैं ना अपने ग्रुप में। अनिल भाई, अच्छा, वो मेरे पास होम मंडली के वीडियो भेज रहे हैं। कोई बात नहीं,
मंडली के वीडियो भेजते मेरे पास, तो वो घर भी जुड़ा हुआ है यार अपने पास आता, तो क्या उसको बंद कर दूं? नहीं नहीं आने दो, क्या कर पड़ता है, डिलीट कर दो ना, मत देखो उसमें क्या फर्क पड़ता है, भेज रहा है भेज अच्छा कि वो ग्रुप में आ रहा है ना, यहाँ बाबा का ज्ञान सुन रहा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है नहीं? या तो हमारा उसका पार्ट उसको बजाने दो, बाप को अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं, जितना आपको अपने हद के पार्ट के संबंध का ख्याल है, बाप तो सदा बच्चों के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता, बाप बच्चों को भूल नहीं सकता, लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना समय का पार्ट है, अपना समय का पार्ट है, कोई को आदि में पार्ट है, कोई का मध्य में है, कोई का अंत में पार्ट है, कोई का भक्ति का पार्ट है, कोई का ज्ञान का पार्ट है, इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है क्या है, मनसा संकल्प करने की सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा, अपनी वृत्ति से, ये जो ना मनसा सेवा आप देखेंगे ना, ये सारा उसके अंदर बहुत अच्छी तरह बाबा ने समझाया हुआ है, ये भी बाबा के बच्चों ने बहुत मेहनत करके मनसा सेवा की बुक बनाई और जिसको हमने वीडियो में कन्वर्ट किया है, अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्ज अदाई निभाते चलो, अभी बार बार ये नहीं बोलना कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा, मुख्य तीन बातें बार बार लिखते हैं, कहते हो योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता और माया क्यों आती है, सोचते बहुत हो इसलिए माया को भी मजा आता है, जैसे मल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है ना, और गिराकर ऊपर चढ़ने का, तो जब ये सोचते हो कि माया आ गई तो माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख वार करते, इसलिए सुनाया माया आनी ही है, माया का आना अर्थात विजयी बनाने के निमित्त बनना, शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया बनती है, वो आती है तो आपको लगता है कि मुझे अपने अंदर उन शक्तियों को लाना है, जागृत करना है, अगर दुश्मन ना हो तो विजयी कैसे कहा जाएगा, दुश्मन होगा दुश्मन पर जीत पाएंगे तब तो विजयी कहलाएंगे, विजय माला का मणका बनेंगे, विजयी रतन बनाने के निमित्त ये माया के छोटे छोटे रूप हैं, इसलिए माया जीत समझ विजयी रत्न समझ, माया पर विजय प्राप्त करो, समझा? मास्टर सर्वशक्तिमान, कमजोर मत बनो, माया को चैलेंज करने वाले बनो, अच्छा सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपने समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, पार्टियों से संगम युग का बड़े ते बड़ा खजाना कौन सा है, सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है अति इंद्रिय सुख,
जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। ये एक ऐसा खजाना है जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अतीन्द्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। अतीन्द्रिय सुख किसे कहते हैं? जो इंद्रियों से सुख लिया ही ना जाए, ऐसा सुख जो आत्मा बिना इंद्रियों के लेती है। ये अतीन्द्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती है, उसको कभी भूला नहीं जाता। अति इंद्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है। तो सदा याद रहना चाहिए, याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वे इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अति इंद्रिय सुख में नहीं रहते वो इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना, उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। इंद्रियों के सुख का थोड़ी देर आप सुख समझते हो, परंतु तो उसमें कितना दुख भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा पाउडर लगा देते हैं ना, कोट कर देते हैं, तो ये इंद्रियों का सुख दुख दिखाई सुख देता है, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है, फिर उनकी आकर्षण में क्यों आते हो? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो? क्वेश्चन। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक्ट विशेष होती है। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है? कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पार्ट बजाने वाले की रिजल्ट क्या होगी? वो स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होंगे। जो अच्छा पार बजाते हैं तो देखने वाले वंस मोर एक बार फिर और करते हैं। तो सर्व को संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना अर्थात सिर्फ स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, ये है पूरा स्लोगन। वे तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पार्ट बजाओ। ऐसा पार्ट बजाने में मजा आएगा, खुशी भी होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वे स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे
सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वे जानती है ये सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना, मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है, सत्युग में संगम युग का ही फल चलता है, चलता रहता। संगम पर एक का 100 गुना भर करके प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूं, तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो माया जीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम युग पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना ये है बीज, और उसका फल एक का पदम गुणा मिल जाता, तब तो संगम युग की महिमा है। ता सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। इस फल में और सब फल आ जाते हैं, इस फल में सारे फल आ जाते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।